आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। अरे भाई साहब, आप तो वही हो ना जो पहले डाकू हुआ करते थे। हाँ ताऊ, अब मैं सुधर गया हूँ। जो मजा मेहनत करके कमाने में है वो गुंडागर्दी में कहाँ है। अरे तो यार आइसक्रीम खिलाओ फिर। हाँ अभी लो। बहुत अच्छे बालक। अरे ताऊ सुनो, पैसे तो दे दो। अरे बच्चा, तुम ताजा ताजा शरीर बने हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम हमें फ्री में आइसक्रीम खिलाओ और कुछ पुण्य कमाओ। अंदर से शरीफ ना बना हूँ मैं, वरना ये शराफत मेरा डंडा चौपट कर देगी। अच्छा तो तुम शराफत का ढोंग करके जनता को ठग रहे हो, दुष्ट प्राणी। एक आइसक्रीम फ्री में नहीं दे सकता। अरे तो ये वाली क्यों ले रहे हो, और महंगी वाली लो। मेरी आइसक्रीम वापस कर और अब निकल यहाँ से। तेरे जैसे 375 मिलते हैं। हे दुष्ट, तू अभी शरीफ नहीं बना है, तू अंदर से आज भी वही लुटेरा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। इंग्लिश वाली देना, रात को 2 पैग मार लिया करूँगा। मेरी विद्या का मजाक बनाता है तो सुन, तेरी आइसक्रीम जो भी खाएगा वो तुरंत बकरा बन जाएगा। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे पाखंडी बहुत देखे हमने। मेरे जैसा एक ही सैंपल है पृथ्वी पर, बहुत सारे कहां से देख लिए, और अब तो तू मुझे भी नहीं देख पाएगा। ये तो सच में कोई तंत्र मंत्र का ज्ञाता है, इससे गलत पंगा ले लिया। बेबी तुम अपनी बीबी से इतना डरते क्यों हो? यार मेरी बीबी मुझे बिल्कुल घास नहीं डालती है। तुम घास खाते हो? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है, तभी तो मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत पड़ गई। चलो तो बेबी कुछ खाते हैं, पेट में खलबली मची हुई है। एक बार मेरे अंदर से मेरी बीबी का डर निकल जाए, फिर मैं तुम्हारे साथ खुल के एंजॉय कर सकता हूँ। इधर तो प्रेम प्रसंग चल रहा है, इनको ही फंसाता हूँ। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। कैसे दे रखी है आइसक्रीम? भाई साहब, मेरी आइसक्रीम खरीदने के लिए कलेजा चाहिए और जेब में पैसा। हमें गरीब गुरबा समझ रहा है, चल कीमत बोल। भाई साहब 11,000 की एक है। क्या इतनी महंगी आइसक्रीम हमने तो आज तक नहीं देखी। 11,000 वाली कौन सी खासियत है इसमें, लोगों की जेबों में डाका डाल रहे हो। अरे भाई साहब, इसको खाने के बाद आदमी के अंदर से बीबी का डर निकल जाता है। अरे बीबी तुम्हें ऐसी ही आइसक्रीम की जरूरत है, ले लो, चूको मत। मुझे खानी है, बिल्कुल अभी खानी है, अब नहीं रुका जा रहा। अरे ठंड रखो, देता हूँ, रुको रुको। अरे रुको, इसको मत खाना, श्रापित आइसक्रीम है। नहीं मुझे तो खानी है। अरे रुक तो जा, तसल्ली रख ले, दे रहा हूँ तुझको, इसको मत खा। इसमें कौन से हीरे मोती लगे हुए हैं, खा लो तुम। हो गया सत्यानाश, अब 11,000 कौन देगा? यही देगा जो आदमी खा रहा है। कौन सा आदमी? अरे यही जो आइसक्रीम खा रहा है। यहाँ तो कोई आदमी ही नहीं है। अरे अंधे हो क्या? ये कहाँ गया और ये बकरा कहाँ से आ गया? मैडम जी, यही है आपका बेबी, डेबी, जो भी है। आइसक्रीम वाले भैया मजाक मत करो, सच बताओ वो कब गया और ये कब आया? अरे यही तो है, ये मेरे सामने ही बकरा बन गया। क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं तुम्हारी आइसक्रीम खाने से तो बकरा नहीं बन गया? अरे कैसी बातें कर रही हो मैडम जी, मेरी आइसक्रीम तो पूरा शहर खाता है, ऐसे तो सब बकरे बन जाते। ठीक है मैं इस बकरे को लेके जाती हूँ। मैडम जी, या तो मेरी आइसक्रीम के 11,000 दे कर जाओ या इस बकरे को यहीं छोड़ कर जाओ। तो बकरा का क्या करोगे? इसे बकरा ईद पर बेच कर अपने 11,000 वसूल करूंगा। बड़े निर्दयी हो, पैसे के लिए एक बेजुबान की बलि चढ़ाना चाहते हो। ये बेजुबान हुआ है अभी, कुछ देर पहले तो इसकी बहुत जुबान चल रही थी। ये बकरा नहीं है, मोहब्बत है मेरी, और मोहब्बत की बलि नहीं चढ़ाने दूंगी। तू अभी मुझे नहीं जानती, आइसक्रीम तो मैं शौक से बेचता हूँ, शहर का सबसे बड़ा दबंग आदमी हूँ मैं, चाहे तो